नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। आज मतगणना का दिन है और नतीजे आ रहे हैं। हमारी इस पहली वीडियो में हम आपको सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जो 9 की 9 सीटें हैं, उनके अलावा जो हरियाणा की चर्चित सीटें हैं उन पे क्या चल रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। फटाफट में आप जानिए कि सिरसा में 4 राउंड के बाद स्थिति क्या है। सिरसा में 4796 वोटों से गोकुल सेतिया है वो आगे चल रहे हैं, उनको अब तक 19937 वोट मिले हैं और गोपाल कांडा को 15141 वोट मिले हैं। ये सिरसा की सीट की स्थिति है। इसी तरह से डबवाली में 2 राउंड के बाद अमित सियाग है, उनको 5076 वोटों की लीड मिल रही है और आदित्य चौटाला है वो पीछे चल रहे हैं, 4039 वोट आदित्य चौटाला को मिले हैं। यहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला को 3259 वोट मिले हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला है वो तीसरे नंबर पे यहां पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एलनाबाद से बड़ी अपडेट है कि 4 राउंड के बाद यहां पर भरत सिंह बेनीवाल को 5000 वोटों की लीड मिलती हुई दिख रही है। अभय सिंह चौटाला है वो पीछे चल रहे हैं, भरत सिंह बेनीवाल को 21404 वोट मिले हैं और अभय चौटाला को 16405 वोट मिले हैं। अमीरचंद मेहता को 4818 वोट मिले हैं। इसी तरह से रानिया से जो 5 राउंड के बाद 4997 वोटों से अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं, जिनको 19939 वोट मिले हैं और रणजीत सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं, जिनको 14942 वोट मिले हैं। यहां पर सर्वमित्र कंबोज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनको 12723 वोट यहां पर मिले हैं। इसी तरह से कालावाली की जो सीट है शिशपाल केरवाला है वो बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, 13590 वोट उनको मिल रहे हैं। फतेहाबाद की हम बात कर लें तो फतेहाबाद में दूड़ाराम है जिनको 7280 वोटों की लीड मिली है और बलवान सिंह दौलतपुरिया है वो पीछे चल रहे हैं, 23024 वोट मिले हैं और दूड़ाराम को 30000 वोट मिले हैं। इसी तरह से आदमपुर की जो सीट है उस पर भव्य बिश्नोई है एक बार फिर आगे हो गए हैं, 1993 वोटों की लीड उनको मिल रही है, 16122 वोट अब तक उनको मिले हैं। और चंद्र प्रकाश जांगड़ा है वो दूसरे नंबर पे हैं, 14129 वोट मिले हैं। टोहाना की सीट पर परमवीर सिंह है वो आगे चल रहे हैं, 6441 वोटों की लीड उनको मिल रही है, 23000 वोट मिले हैं। और देवेंद्र बबली को 16592 वोट मिले हैं, देवेंद्र बबली हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। और हिसार से सावित्री जिंदल है उनको 5525 वोट अब तक मिले हैं और 3936 वोटों से वो आगे चल रही हैं पहले राउंड में। रणबीर गंगवा हैं उनको लीड मिल रही है 10000 से ज्यादा की लीड बरवाड़ा से रणबीर गंगवा को, 5 राउंड खत्म हो चुके हैं, टोटल 13 राउंड है। रामनिवास कोडेला दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर संजना सातरोड है। उकलाना से नरेश सेलवाल है उनको भी 10000 वोटों की लीड मिल चुकी है जो कि 5 राउंड के बाद, और पहले स्थान पे अनूप धानक है वो दूसरे स्थान पे 17410 वोट मिले हैं और नरेश सेलवाल को 27598 वोट मिले हैं। इसी तरह से उचाना की सीट पर सब लोगों की नजर है, उचाना से 3170 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, 14392 वोट उनको मिले हैं। और यहां पर देवेंद्र छत्रपुज अत्री जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं 11215 वोट उनको मिले हैं दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर वीरेंद्र गोगड़िया हैं निर्दलीय हैं, चौथे स्थान पे भी निर्दलीय है और पांचवें स्थान पे भी निर्दलीय है और छठे स्थान पर दुष्यंत चौटाला है जो उचाना से बुरी तरह से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, जिनको अब तक 2420 वोट मिले हैं। और अब आपको बता दें कि नरवाना से कृष्ण बेदी हैं वो लगातार अपनी लीड है वो बरकरार है, 554 वोटों से कृष्ण बेदी आगे चल रहे हैं, 14000 वोट उनको मिले हैं। और यहां पर सतबीर डाबलान है कांग्रेस के प्रत्याशी जो 13523 वोट मिले हैं, विद्या रानी दनोदा को 11251 वोट मिले हैं जो तीसरे नंबर पे हैं। इसी तरह से नायब सिंह सैनी हैं वो पहले नंबर पे चल रहे हैं लाडवा सीट से, 5430 वोटों की लीड उनको मिल रही है। विनेश फोगाट है वो पीछे चल रही हैं, विनेश फोगाट 5 राउंड के बाद 1417 वोटों से पीछे हैं। और यहां पर योगेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 22211 वोट उनको मिले हैं। हांसी से विनोद ब्याणा को 10000 की लीड मिलती हुई दिख रही है, विनोद ब्याणा शुरुआती दौर में पिछड़ते हुए दिख रहे थे राहुल मक्कड़ से, राहुल मक्कड़ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो अब 2 नंबर पे चले गए हैं, 27000 वोट मिले हैं और विनोद भ्याना को 37405 वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है विनोद भ्याना। नारनौद से जस्सी पेटवाड़ को 4000 वोटों की लीड मिल चुकी है, कैप्टन अभिमन्यू पीछे हैं और जस्सी पेटवाड़ है वो 16540 वोट लेकर के प्रथम स्थान पर और कैप्टन अभिमन्यू 12409 वोट उनको अब तक मिले हैं। रतिया की सीट पर जरनैल सिंह को 8750 वोट की लीड मिली है, सुनीता दुग्गल यहां पर पीछे चल रही हैं, 18148 वोट सुनीता दुग्गल को मिले हैं और 26898 वोट जरनैल सिंह को मिले हैं। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यमुनानगर से रमन त्यागी हैं वो आगे चल रहे हैं, मात्र 83 वोटों से आगे हैं। घनश्याम दास अरोड़ा है वो 2 नंबर पे है और दिलबाग सिंह है वो 3 नंबर पे चल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि कुछ और सीटें हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट पर क्या हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 25000 वोटों की लीड से
नंबर वन पे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव जीतना यहां पर तय है। पांचवा राउंड है और 17 राउंड टोटल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव है वो दूसरे नंबर पे है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के 6881 वोट उनको मिले हैं। और हम आपको बता दें कि रामकुमार गौतम सफीदों से चुनाव लड़ रहे थे जिनको 7932 वोट की लीड मिली है। और यहाँ पे सुभाष गांगुली कांग्रेस के प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह से मैम की जो सीट पे चर्चा है, पूरे हरियाणा प्रदेश की नजर है वो मैम की सीट पर है। यहाँ पे बलराम डांगी है उनको 3280 वोटों की लीड मिली है। और बलराज कुंडू को 8239 वोट लेकर के बलराज कुंडू दूसरे स्थान पे हैं। इसी तरह से तमाम जानकारियां हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब तक की बड़ी अपडेट है जहां पर सिरसा सहित जो कुछ काफी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस है वो आगे है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि शुरुआती दौर में लग रहा था, रुझानों में लग रहा था और आंकड़ों में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़ जाएगी और कांग्रेस है वो वरुण धवन से सरकार बनाएगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फटाफट दूसरी वीडियो को लेकर के भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।